नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसके संकेत के बिना हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं कर सकता। लेकिन कई बार बढ़ती उम्र, गलत आदतों, नशा, पोषक तत्वों आदि से याददाश्त कमजोर होने लगती है। लेकिन अपने आहार में कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों को शामिल करके अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन सी जड़ी बूटियां जिनको अपने आहार में शामिल करके आप तेज दिमाग पा सकते हैं। पहली है दोस्तों जटामासी। जटामासी औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटी है। इसे जटामासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ों में जटापाल जैसे तंतु लगे होते हैं। ये दिमाग के लिए एक रामबाण औषधि है। यह धीमे लेकिन प्रभावशाली ढंग से काम करती है। इसके अलावा ये याददाश्त को तेज करने के लिए भी अशुभ दवा है। एक चम्मच जटामासी को एक कप दूध में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। दूसरा है ब्राह्मी। ब्राह्मी नामक जड़ी बूटी को दिमाग के लिए टॉनिक भी कहा जाता है। ये दिमाग को शांति और स्पष्टता प्रदान करती है और याददाश्त को मजबूत करने में मदद करती है। आधे चम्मच ब्राह्मी पाउडर और शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से दिमाग तेज होता है। तीसरी है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी रक्त को बढ़ाने के साथ साथ हमारे दिमाग को तेज करके हमारी रचनात्मक को भी बढ़ावा देता है। यह जड़ी बूटी हमारी याद करने की क्षमता और सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। दिमाग को तेज करने के लिए आधे चम्मच शंख पुष्पी को गर्म पानी में मिलाकर लें। चौथा है दोस्तों दालचीनी। दालचीनी एक गर्म मसाला ही नहीं बल्कि एक जड़ी बूटी भी है। ये दिमाग को तेज करने की बहुत अच्छी दवा है। रात को सोने से पहले नियमित रूप से एक चुटकी दालचीनी को शहद के साथ लेने से मानसिक तनाव में राहत मिलता है और दिमाग तेज होता है। पांचवा है दोस्तों हल्दी। हल्दी दिमाग के लिए बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है। ये सिर्फ खाने का स्वाद और रंग में इजाफा नहीं करती बल्कि दिमाग को स्वस्थ रखने में भी मदद करती है। ये दिमाग की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करती है और इसके नियमित सेवन से अल्जाइमर रोग नहीं होता है। छठा है दोस्तों जायफल। दिमाग को तेज करने वाली जड़ी बूटियों में जायफल भी एक तेज जड़ी बूटी है। गर्म तासीर वाले जायफल की थोड़ी मात्रा का प्रयोग करने से दिमाग को तेज किया जा सकता है। सातवां है दोस्तों अजवाइन की पत्तियां। अजवाइन की पत्तियां खाने के अलावा सुगंध बनाए रखने में भी लाभदायक होती हैं। इसमें भरपूर मात्रा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट दिमाग के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। आठवां है दोस्तों तुलसी। तुलसी कई प्रकार की बीमारियों के लिए जानी मानी जड़ी बूटी है। इसमें मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हृदय और मस्तिष्क के रक्त के प्रभाव को सुधारता है। साथ ही इसमें पाई जाने वाली एंटी इंफ्लेमेटरी अल्जाइमर जैसे रोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। नौवां है दोस्तों केसर। केसर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ साथ निद्रा और डिप्रेशन को दूर करने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके सेवन से दिमाग तेज होता है। सबसे आखिर और दसवां है काली मिर्च। काली मिर्च में पाया जाने वाला पेपरिक नामक रसायन शरीर और दिमाग की कोशिकाओं को आराम देता है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए ये रसायन जादू का काम करता है, इसलिए दिमाग को स्वस्थ बनाए रखने के लिए काली मिर्च का प्रयोग करें। तो दोस्तों ये तो थी 10 औषधियां दिमाग को तेज करने की। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।